फ्रेंड्स, आज हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में ओट्स जैगरी केक बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन वाला होगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी कमेंट वाली लाइन, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या डाउट है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर्स दूंगी। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप वो भी बताइए, तो मैं कोई नई रेसिपी भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ओट्स। ये देखिए, ये रेगुलर ओट्स है, इसे मैंने पाउडर कर लिया है मिक्सी के अंदर में। गेहूं का आटा है, ये 1/4 कप ऑफ ओट्स है, 1/2 कप ऑफ पाउडर्ड ओट्स है, 1/2 कप ऑफ गेहूं का आटा है, 1/2 कप मैंने इसको ग्रेट करके रखा है गुड़ को, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 इलायची पाउडर है, टूटी फ्रूटी है, वेनीला एसेंस हम 20 ड्रॉप्स लेंगे, दही और गुड़, ऑयल, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कुनकुना दूध। ये हमने कुनकुना दूध ले लिया। दूध लेने के बाद में हम इसके अंदर में ये पूरी की पूरी जैगरी इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे जब तक कि ये दूध में पूरी घुल नहीं जाती। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैंने घोल लिया है, ये पूरा पूरा गुड़ जो है वो दूध के अंदर है, मेल्ट घुल के रेडी हो गया है। अब इस नोट में हम इसमें डालेंगे ऑयल, ये 1/4 कप ऑफ ऑयल डाला है हमने, वो भी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, 1/4 कप ऑफ दही डालेंगे इसके अंदर में, उसे भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद इसके अंदर में हम वेनीला एसेंस डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। वेनीला एसेंस में 20 ड्रॉप्स डाल रही हूँ और इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये 4 इलायची पाउडर है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर में हम ये 1/2 कटोरी गेहूं का आटा डाल रहे हैं। अब इसके अंदर में हम ये पाउडर वाला जो ओट्स हमने करके रखा था, ये 1/2 कटोरी डाल रहे हैं। अब हमारा जो ये प्लेन ओट्स है वो हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो इसके अंदर में हम रिमेनिंग जो हमारा दही था वो हम डाल करके इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और हमारी टूटी फ्रूटी, ये हमारी टूटी फ्रूटी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया से हो चुका है रेडी। अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट पर रख देते हैं और फिर हम हमारे कंटेनर में डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टिन मोल्ड लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीसिंग कर लिया है। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस करने के बाद में हम हमारा बैटर जो है पूरा का पूरा इसमें डाल देते हैं। ये डालने के बाद में इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और स्प्रेड करने के बाद इसे हम अच्छे से टैप कर लेते हैं। और टैप करने के बाद में ऊपर से थोड़े से टूटी फ्रूटीज हम स्प्रिंकल कर लेंगे।
ये देखिए ये इस तरह से पूरे हमारे टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल हो गए। अब जो है मैंने जैसे आपको बताया कि अवन को प्री हीट करना पड़ता है, तो हम अवन प्री हीट कर लेंगे। सबसे पहले हम हॉट ब्लास्ट दबाएंगे, 180 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और उसके बाद सीधे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो इस तरह से हीट लीक कर आएगा। उसके बाद में ये बीप बजाएगा, बीप बजने के बाद में जब इसका प्री हीटिंग हो जाएगा तो हम केक को अंदर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये प्री हीटिंग हो गया है, हम केक को अंदर रख देते हैं। अंदर रखने के बाद वापस से हम हॉट ब्लास्ट करेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट करेंगे और इसे हम देंगे 20 मिनट का टाइमिंग और हमारा केक बनके 20 मिनट्स टाइमिंग एंड स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स हो गए हैं हमारे 20 मिनट्स कंप्लीट। हम हमारे टिन को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसे निकालने के बाद में हम इसे साइड से अच्छी से छुड़वा लेंगे और इसे 2 मिनट छोड़ देते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा होने के बाद में हम इसे प्लेट पे डालेंगे। ये देखिए अंदर से पूरा क्लीन निकला है, पूरा नीट एंड क्लीन है और ये यहाँ से भी एकदम गोल्डन कलर आ गया है, पूरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसे हम पलट देते हैं। ये हमारा ओट्स का टूटी फ्रूटी केक इज़ रेडी, गुड़ से बना हुआ इन सैमसंग स्मार्ट ओवन।